हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि करंट या अनार को कटिंग द्वारा आसानी से कैसे प्रचारित किया जा सकता है, कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है। चमकदार लाल रसदार फल किशमिश या अनार की याद दिलाता है। यह दिखने में जितना खूबसूरत है, खाने में उतना ही मीठा है। यह स्वादिष्ट फल विभिन्न पोषक तत्वों से भी भरपूर है। इसमें विटामिन, फोलेट, पोटेशियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बेदाना सेहत का पूरा ख्याल रखती हैं। हम देखेंगे कि किशमिश या अंजीर को कटिंग द्वारा आसानी से प्रचारित किया जा सकता है, कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है। ऐसा करने से पेड़ की मात्र गुणवत्ता बनी रहती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करंट या अन्ना के पौधे रोपने के लिए अन्ना पेड़ की शाखा का चयन करना होगा, ताकि अच्छी पौध हो। यह विधि कलमों द्वारा प्रवर्धन है। सबसे पहले आपको किशमिश या अंजीर के पेड़ की एक शाखा चुननी होगी। कारण यह है कि मैं उस शाखा का एक वृक्ष बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक चाकू लें और शाखा को काटें। हम लगभग 6 इंच माप की शाखाएं काटेंगे। इसके बाद छाल को सफेद की ओर हटा देना चाहिए। फिर चाकू से साफ कर लें।
रोपाई के लिए साफ रेत और कोक पीट की आवश्यकता होती है। तब मैं शाखाएं लगाने के लिए छाल साफ कर रहा था। उस शाखा पर अलबेरा का पौधा लगाना चाहिए। इसके बाद गिलास में हल्का सा पानी देना चाहिए। इसके बाद चाकू से कांच से मिट्टी हटा देनी चाहिए। शाखाओं की जड़ों पर अलबेरा लगाकर एक शीशी में रख लें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी सूखी न हो जाए। पानी उतना ही देना चाहिए जितनी आवश्यकता। लेकिन दोस्तों, इसे मानसून की शुरुआत में करना बहुत अच्छा होता है।
उसके बाद गिलास को हल्की छाया में रखूंगा। 8 दिन बाद मैं देखूंगा कि पानी अभी भी है या नहीं। इसका कारण यह है कि पेड़ अच्छे से चिपक जाता है। पच्चीस दिन बाद देखूंगा, कई दस्तावेज बाहर हैं। फिर दोस्तों ने शाखाओं को काटकर आसान प्रसार की विधि देखी। पैंतालीस दिन बाद देखूंगा कि अन्ना के पेड़ का पौधा काफी बड़ा हो गया है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि पौधे कहाँ लगाना है। मुझे लगता है कि करंट या अन्ना पेड़ का पौधा बहुत दूर चला गया है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि पौधा कहाँ लगाना है। तो दोस्तों, आप इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं। 100-100 सफल होंगे, इसकी गारंटी है।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं।